फाइनली हनुमान का टीज़र आज रिलीज़ हो चुका है। और भाई मैं ये क्या बोलूँ, ये टीज़र बड़ी ऑसम है। इस टीज़र में दिखाया गया है कि एक गांव में एक लड़का है जिसके पास हनुमान का पावर आ जाता है और जिसको एक्वायर करने के लिए बहुत सारे विलेन और गैंग्स है, जो जिसमें उन लोगों के बीच कुछ फाइट फाइट होगा, कुछ मिस्ट्री रहेगा उसके बीच। और ये सारा पूरा टीज़र पूरे गाँव में शूट हुआ है और कुछ कुछ सीन है जिसको शहर में शूट किया गया है। ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि गांव का और शहर का दोनों सीन कैसे ब्लेंडेड करते हैं, दोनों दोनों सीन का दोनों एक अलग अलग स्टोरी होगा, तो कैसे ब्लेंडिंग होता है, एक जगह में कैसे मिलते हैं, तो ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में हनुमान के एक मनी है जिसको लेकर बहुत सारे मिस्ट्री होगा, वो दिखाया जाएगा। और इस टीज़र के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि पर्वत के ऊपर हनुमान का एक बड़ा सा स्टैचू है जिसमें विजुअल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे बोला जाए तो ये फिल्म 500 करोड़ में तो नहीं बनी है, जिसको देख के ये लगते भी है। आप लोग समझ ही पा रहे हो कि 500 करोड़ मतलब मैं आदि पुरुष का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये फिल्म 500 करोड़ में नहीं बनी है, लेकिन ये इस फिल्म का विजुअल बहुत ही बढ़िया है। कुछ कुछ सीन में मुझे फ्लॉज दिखाई दिया, जैसे कि अंत का जो सीन था टीज़र का, जिसमें वो गदा लेके उड़ जाता है ऊपर, कुछ गुंडे को आसमान में उड़ा देता है, तो वो सारे सीन्स में VFX में फ्लॉ दिखाई दिया है, लेकिन वो सारे सीन्स पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक हो सकता है। और ये मूवी प्रशांत जी ने बनाया है और ये मूवी एक बड़ा सा बाउंड्री सेट करेगा और ये एक यूनिवर्स बनने वाला है, सिनेमेटिक यूनिवर्स। तो मैं तो ये मूवी के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो देखा जाए कि कब ये ट्रेलर रिलीज़ होता है इस मूवी का। शायद ट्रेलर में बहुत सारा VFX फ्लॉज का कुछ ठीक भी हो सकता है ट्रेलर में, वो सारे सीन्स। तो ये वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।